हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अन अकेडमी के चैनल नीट यूजीन 10 पे। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने सेमीकंडक्टर की शुरुआत की थी, राइट? तो हम उसको कंटिन्यू करते हुए सेमीकंडक्टर में डायोड के बारे में देखेंगे, ठीक है? मेरा इंट्रोडक्शन बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है? यहाँ पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, क्या बच्चा, एक आइकॉनिक। तो प्लस के फीचर्स देखते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है ना? आप चैट बॉक्स में जाके वहाँ कमेंट में अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन चलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होता है। लाइव टेस्ट होता है बच्चों, क्विजेस होता है, राइट? डिटेल एनालिसिस होती है, स्ट्रक्चर कोर्सेस। कोर्सेज क्या बेटा, स्ट्रक्चर है। आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से और टाइम पे खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक और सब्सक्रिप्शन आप ले लोगे, तो जितना रिकॉर्डेड है और आपका जितना रनिंग है, सब आप रनिंग कोर्सेस है, अपने कंफर्टेबल डिवाइसेस, लैपटॉप फोन सबसे आप देख सकते हैं, राइट? अब देखिए, आइकॉनिक जो दूसरा है, ये बहुत एडवांस कोर्स है, बहुत यूजफुल भी है। आपको एक्सपर्ट टीचर आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, आपको एग्जाम के स्ट्रेटेजी बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट बताएंगे, ठीक है? जो आप पेपर देंगे उसमें आप देखेंगे कि एग्जाम का अप्रोच आप कैसे कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। जो भी टॉपिक आपका वीक है वो अच्छा हो जाएगा, है ना? स्टडी प्लान है, टाइम टेबल बच्चों, ये वीकली टाइम टेबल देंगे। आप यदि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, और प्लस के सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। अब बेटा, इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं। तो एक 6 मंथ का 38,000 है आइकॉनिक का, और 12 मंथ्स का 65,000, 24 मंथ्स का 1 लाख, राइट? रेफरल कोड भी था मेरा, यूज कीजिएगा आदित्य, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 6 मंथ का 34,200, 12 मंथ्स का 58,500, 24 मंथ्स का 90,000, है ना? अब देखते हैं बच्चों प्लस के चार्जेस के बारे में। तो 6 मंथ का 28,000, 12 मंथ्स का 38,500, 24 मंथ्स का 56,000। अब देखिए रेफरल कोड आदित्य, है ना? तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25,200, 12 मंथ्स का 34,650, 24 मंथ्स का 50,400, ठीक है? चलिए, हम डायोड का कर रहे थे बच्चे। डायोड सेमीकंडक्टर, हमने पी टाइप और एन टाइप के बारे में आपको बताया था। अब देखते हैं डायोड कैसे बनता है और क्या किया जाता है, ध्यान सुनिएगा। इससे पहले जो पी टाइप कैसे बनता था बच्चों, पी टाइप जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट था, पी टाइप का मतलब डेंसिटी ऑफ होल्स। जैसे आप कुछ एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, एक बार छोटा सा रिकैप। पी टाइप में क्या होता था, डेंसिटी ऑफ होल्स मतलब होल्स की जो पर यूनिट अमाउंट है एन, ग्रेटर ग्रेटर कितना इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह एन टाइप में बच्चों क्या था आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ग्रेटर रिटर्न किसके, एनएच की, राइट? तो ये बच्चे पी टाइप कैसा बनता था, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आप इसमें करते थे ना, जिससे आउटर मोस्ट में है ना, ये एन टाइप, ठीक है? तो अब इनको मिला के एक डायोड कैसे बनता है, देखिएगा क्या करते हैं। अच्छा देखिए, ये वाला जो है ना पी टाइप है, तो ये जो व्हाइट कलर का, ये बेटा ये होल्स है, ये क्या है, होल्स। तो यहाँ आपको पता चल रहा है ना कि एन एच इज ग्रेटर ग्रेटर है एन ई। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे पी टाइप में होल्स को, तो जो एन एच है बेटा, होल्स एन एच, जो क्या बच्चों, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है? और बच्चों जो यहाँ पे जो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, राइट, तो उसको बोलेंगे हम लोग को क्या, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना? उसी तरह एन टाइप की बात करते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा ज्यादा होगी एन एच से, राइट, है ना, एन ई ग्रेटर ग्रेटर एन एच, ठीक है? तो अब इसमें फिर से बताइए, एन ई क्या हो जाएगी, एन ई हो जाएगी मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, है ना? तो होल्स क्या होगा बच्चों, होल्स हो जाएगा आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए इन दोनों का किया आपने कंबाइन किया, ध्यान सुनना आप, इसको कंबाइन करेंगे तो सेचुरेशन एक प्रोसेस होता है। जैसे क्या करेंगे ना आप, पानी जैसे आप मान लीजिए एक दो कनेक्ट ऐसे करेंगे, सेचुरेशन समझिएगा। जैसे यहाँ पे बेटा ये वाटर है पूरा, ठीक है ना, इसमें फिल है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक होल लगा के एक और लेवल के कंटेनर को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये वाटर यहाँ फ्लो होने लग जाएगा, है ना? ये कब, ये तो अपने आप फ्लो होगा, राइट, क्योंकि इसमें फिल था तो सेचुरेट, क्योंकि यहाँ पे कम है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ वाटर आपका ज़्यादा है यहाँ कम। उसी तरह यहाँ पे देखिए, तो इस पार्ट में होल्स की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये होल्स अपने आप फ्लो होने लगेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा फ्लो होगा ना, है ना? तो ये कब तक होगा, जब तक ये सैचुरेट, तो ये सैचुरेशन का प्रोसेस है, राइट?
तो इसमें क्या होता है, यहाँ का जो होल्स है बच्चों ये यहाँ जाने लगेगा और यहाँ का बच्चा इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा, है ना। तो अब देखिएगा इसमें एक चीज देखिएगा ध्यान से, तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैकेंट प्लेस को फिल कर देगा ना, राइट। यहाँ देखिए तो मान लीजिए इस सेक्शन से पहले निकला, यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, देखिएगा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, वैकेंट प्लेस को होल्स बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होल्स था तो यहाँ फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, यहाँ पे गया, इसको चलो ब्लैक से हम डिनोट करते हैं, इसको ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं, ये देखिए ब्लैक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सारा इसमें जा जाके फिल होने लग गया, है ना, ये फिल होने लग गया। तो बताइए ये फिल, अच्छा बताइए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस बनेगा उस पर क्या चार्ज, डोनर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये होल्स जो फिल होगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो बेटा, निगेटिव निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव चार्ज, क्लियर है। तो इस तरह से ये होगा, इसी तरह ये जाता रहेगा, बताओ ना, ये होल को इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस तरह से यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, फिर यहाँ का बेटा एक सेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से ये बनता जाएगा ना वॉल की तरह। आगे देखते हैं इसको, हाँ यहाँ देखो बेटा ये पी टाइप था, देखो तो यहाँ निगेटिव 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 एक वॉल बन गया, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। तो ये जो बनेगा डिफ्यूजन के कारण, सेचुरेट मतलब डिफ्यूज करता है अपने आप, सेचुरेट जब तक डिफ्यूज करेगा तब तक सेचुरेट ना हो, ठीक है। तो बेटा ये एक वॉल बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये लेयर क्या करता है, अपोच करता है ना। इसको कम करने के लिए इस लेयर को हम क्या करते हैं, बायसिंग, क्या करते हैं बेटा, बायसिंग हम करते हैं। बायसिंग कितने तरह के, दो तरह के, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है। आपने जैसे ही कनेक्ट किया बिना कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज के, तो एक डिप्लेशन लेयर डिफ्यूजन के कारण फॉर्म हो गया। डिफ्यूजन के कारण कैसे हुआ फॉर्म, क्योंकि जहां पे हाई डेंसिटी है लो वो उसको अपने आप क्या हुआ, वो फ्लो करेगा, ठीक है ना, ये डिप्लेशन। अच्छा बताइए बेटा यहाँ का पोटेंशियल प्लस लिया है ना, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी लगी है, राइट। तो यहाँ पे सारे देखिए, यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल होगा इस रीजन का, इसका ग्राफ देखिए, ये क्या होगा बेटा, लो पोटेंशियल, ये माइनस है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारा हो गया। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग देखेंगे। वीडियो को लाइक करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि कुछ डाउट हो तो। थैंक यू बच्चों।